सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनंत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम HNB गढ़वाल के बारे में और ये आपकी GFTI है। इसके बारे में हम सब कुछ देख रहे होंगे, इसके एडमिशन से लेके प्लेसमेंट्स तक। इसके एडमिशन की बात करें तो कुछ लोग यार कह रहे हैं कि भाई इसमें एडमिशन जो है वो आपका JEE एडवांस के थ्रू होता है, मतलब JEE मेंस भी दो, JEE एडवांस भी दो, तब जाके आपका एडमिशन होता है। ऐसा नहीं है यार, आपके अगर JEE मेंस में ठीक ठाक नंबर आए हैं और नहीं भी आए हैं तो भी आपका इसमें एडमिशन हो सकता है, जो सा है CSAP के थ्रू। तो किसी और की बातों में गलत मतलब डाउट्स में मत आ जाना, ठीक है? आपका JEE मेंस के बेस पे एडमिशन इसमें होता है। बाकी इसमें आगे हम सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे, मैं आपको बताने वीडियो को स्टार्ट फटाफट से करता हूँ, ठीक है? अगर हम बात करें इसमें कोर्सेज ऑफर्ड की, तो काफ़ी तरह के यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आपको तरह तरह के कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें PhD कोर्सेज भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको BA देखने को मिल जाता है अंडर ग्रेजुएट में, BCOM देखने को मिल जाता है, BSc, LLB, ठीक है? आपको अपना 4 ईयर प्रोग्राम जिसकी हम बात करने वाले हैं, पूरी वीडियो में हम BTech की बात कर रहे होंगे, तो ध्यान रखना कि BTech के लिए वीडियो है, ठीक है? BTech की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग देखने को मिलती है, कम्युनिकेशन देखने को मिलती है, आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखने को मिलती है, ठीक है? और आपको ये सारी ब्रांचेस BTech में देखने को मिलती है, इंस्ट्रूमेंटेशन बोल रहा हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, राइट? और भी फार्मास्यूटिकल यहाँ पर B Pharma देखने को मिलता है, BEd देखने को मिलता है आपका, और भी ये सारे कोर्सेज हैं ये आपको देखने को मिल जाते हैं। मास्टर्स में MA, MCOM, MSc यहाँ पर मास्टर ऑफ साइंस देखने को मिलता है, ठीक है? बायोटेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, MBA, MCA, तरह तरह के कोर्सेज आपको यहाँ पर मास्टर्स में भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप इस वीडियो में हम BTech की बात करेंगे, तो उसकी अगर हम बात करें तो ब्रांच वाइज यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई क्या सीट मैट्रिक्स रहती है। तो टोटल सीट्स की बात करें तो आपकी लगभग 95 सीट्स इसमें रहती हैं, जिसमें से आपकी 41 रहती है जनरल के लिए, SC के लिए आपकी 14, OBC के लिए आपकी 25 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, बाकी ST के लिए 8 दे रखे, ठीक है? इसी तरह से ब्रांच में कितनी सीट्स रहती हैं वो आपकी यहाँ पर दे रखे हैं कैटेगरी वाइज, आप वो भी चेक कर सकते हैं। CS में आपकी 21 रहती हैं, 22, 17, 18, मतलब 20 के आसपास आपकी ऑन एन एवरेज एक ब्रांच में आपकी टोटल सीट्स रहती हैं, राइट? अगर हम बात करें स्कॉलरशिप्स की, तो कुछ जो टॉप के बच्चे हैं उनको डीन कुछ देता है, कुछ और प्रेफरेंसेस मिलती हैं अगर बच्चे टॉप कर रहे हैं तो या टॉप में हैं तो, ठीक है, वो अलग बात हो गई। बाकी अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो आप नेशनल वाली तो दे ही सकते हैं, जो नेशनल स्कॉलरशिप्स लगती हैं बच्चों की उनमें आप जा सकते हैं यार, उसमें कोई आपकी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम देखें कॉलेज की तरफ से, कॉलेज में आपको मिलती है BEd के लिए कोर्सेज वाइज दे रखी हैं, आपको स्टेट वाइज आप स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर सकते हो, या फिर कॉलेज में जब आप जाओगे एडमिशन लेने तो वहाँ पर आप कॉलेज में जाके अकेडमिक्स में जाओगे तो वहाँ पर कॉलेज वालों से पूछ सकते हो कि भाई कॉलेज में क्या क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। उसमें यार कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि भाई आपकी इनकम, फैमिली इनकम इससे कम होनी चाहिए, आप इस कैटेगरी में बिलोंग करने चाहिए, कुछ कैटेगरी पर डिपेंड करती हैं, कुछ स्टेट्स पर बिलोंग करती हैं, अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप्स आपको ऑनलाइन या कॉलेज में आपको देखने को मिल जाती हैं, राइट? तो आप कॉलेज में जाके एक बार पता कर सकते हैं। बाकी कॉलेज की वेबसाइट्स पे आपको आदित्य राम, ये तरह तरह की स्कॉलरशिप्स के नाम आपको अवेलेबल यहाँ पर दिख रहे होंगे, जो मैं आपको कॉलेज की वेबसाइट से ही डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। बात करें इसके फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस आपकी लगभग 11,000 पर सेमेस्टर फीस पड़ रही होती है, और 5,000 आपकी रिफंडेबल होती है, ये आपकी क्वेश्चन मनी 4 साल बाद आपको वापस कर दी जाएगी, ठीक है? और 3,000 आपकी एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे होते हैं, तो लगभग 25,000 के आसपास आपकी फीस पड़ रही होती है। वहीं पर हॉस्टल अकोमोडेशन आपको मिलती है, ज़्यादा महंगा हॉस्टल यहाँ पर नहीं मिलता। मैस की बात करें तो 90 रुपये पर दिन, मतलब 2,000 से 2,500 रुपये के बीच में आपका मैस का खाना पड़ रहा होता है। मैस का खाना ठीक ठाक है यार, इतना आपका बुरा नहीं है। आपको जिम वगैरह, लाइब्रेरी फीस, बाकी सारी अदर फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं स्पोर्ट्स से लेकर जिम तक, ठीक है? ये तो हो गया यार इस सब की बात। अगर हम बात करें इसमें प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट ऐसे कॉलेज की वेबसाइट पे कुछ खास यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अपनी तरफ से अगर मैं इसका एवरेज प्लेसमेंट बताऊँ तो एवरेज प्लेसमेंट आपका लगभग 3 लाख पर एनम है, लेकिन वो भी आपका 100% प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है? 50 से 60% आपका प्लेसमेंट जा रहा होता है। और अगर हम हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें, तो मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स देखी, क्योंकि कॉलेज की वेबसाइट पे तो डाटा बिल्कुल ऐसे अवेलेबल नहीं था, लेकिन एक वेबसाइट पे मेरे को 23 LPA दिखा, तो आप वो मान सकते हैं। लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्ट आप इस कॉलेज से मत रखिएगा, क्योंकि अभी हम देख रहे होंगे जब कट आउट्स देखेंगे तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स उतने अच्छे नहीं है, जो एक रीज़न है कि प्लेसमेंट यहाँ का थोड़ा सा ख़राब जाता है, राइट? काफ़ी पुराना कॉलेज है यार, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका लगभग 1973 में, और इतना पुराना होने के बावजूद भी यार ट्रैक रिकॉर्ड प्लेसमेंट की उसमें ज़्यादा इसका अच्छा नहीं है। तो आने वाले सालों में शायद ये इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि आने वाले स्टूडेंट शायद इसमें प्लेसमेंट अच्छा करें, लेकिन अभी के मामले में अगर आपको कोई और बेटर ऑप्शन नहीं मिल रहा है या आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी सी वीक है तो आप इस कॉलेज को चूज़ कर सकते हो, या आपकी लोकेशन आसपास है तो आप देख सकते हो, ठीक है? बाकी
प्लेसमेंट वाइज अगर आप जाना चाह रहे हो तो उतना अच्छा सिनेरियो यहाँ पर नहीं है। अगर हम आगे बात करें इसकी कटआउट्स की, तो कटआउट्स यार आपके हम जोसा की और सीसैप की दोनों की देख रहे होंगे। सिक्स राउंड की हम जोसा की बात कर लेते हैं, तो जोसा में आपकी कैटेगरी रैंक्स लग रही होती हैं, आपकी ऑल इंडिया रैंक नहीं लग रही होती, और सीसैप में आपकी ऑल इंडिया लगती है। सीसैप होता है यार आपका स्पॉट राउंड, राइट। आप कैटेगरी लगे, आपकी ऑल इंडिया रैंक लगे, आपको कैटेगरी का बेनिफिट वहाँ पर ज़रूर मिल रहा होता है। बात करें जोसा में कंप्यूटर साइंस की, तो ओपन कैटेगरी में 60,000 तक कंप्यूटर साइंस क्लोज हो गई थी, और फीमेल कैटेगरी में ओपन जनरल में आपकी 61,000 तक ये गई थी, ठीक है। इसी तरह से EWS की दे रखी है यार आपको, EWS में आपकी 9,894 के आसपास लगभग गई थी। OBC NCL में आपकी 18,000 पे क्लोज हो गई थी, और SC कैटेगरी में 10,476 और ST कैटेगरी में 4,418 तक ये गई थी। ये आपकी कैटेगरीज रैंक है, ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर नहीं है। इसी तरह से आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच दे रखे कि भाई 79,347 तक गई थी जनरल कैटेगरी पे, और यहाँ पर OBC की दे रखी है 25,229। बाकी कैटेगरीज की आप यहाँ पर देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो 72,000 तक क्लोज हो गई थी, राइट। अगर हम और नीचे चलें तो आपकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की देख लेते हैं, तो वो आपकी 65,000 पे जनरल कैटेगरी में क्लोज हो गई थी। बाकी अदर कैटेगरीज की आप स्क्रीन पॉज करके यहाँ पर ST की देख सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो आपकी ओपन कैटेगरी पर लगभग 80,000 तक गई थी, और फीमेल कैंडिडेट में 85,000 तक क्लोज हो गई थी। वहीं पर अब बात कर लेते हैं सीसैप राउंड की, तो यहाँ पर आपकी ऑल इंडिया रैंक लगेगी, और सीसैप आपको अगर नहीं पता तो स्पॉट राउंड्स होते हैं, जब आपकी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं जोसा के काउंसलिंग में, तो जिन कॉलेजेस में वैकेंट रहती हैं वो कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं सीसैप के स्पेशल राउंड्स में, और आपकी स्पॉट राउंड में रैंक पीछे तक जा रही होती है, मतलब लो रैंक पर भी आपको एडमिशंस मिल रहे होते हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आपकी ओपन कैटेगरी में लगभग 88,000 तक कॉलेज मिल गया था, और वहीं पर EWS में आपको 92,402 तक मिल गया था। अभी आपकी कैटेगरी रैंक नहीं है, ऑल इंडिया रैंक्स हैं, ठीक है। कैटेगरी रैंक सीसैप में नहीं लगती, और आपकी IIT सीसैप में पार्टिसिपेट नहीं करती, ये बात आप ध्यान रखना। वहीं पर ST कैंडिडेट की आपकी 3,89,000 तक गई थी, लगभग 4,00,000 तक आपकी कंप्यूटर साइंस चली गई थी। तो आप देख रहे हैं क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स उतने अच्छे नहीं है, काफ़ी पीछे तक आपको ये कॉलेज मिल जा रहा है। और अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, तो आपकी 4,42,000 जनरल रैंक पर चली गई थी, और आपकी OBC में लगभग 6,20,000 तक गई थी, और SC ST में और भी पीछे तक जा सकती हैं, चांसेस पूरे पूरे हैं, ठीक है। वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करें तो आपकी 1,75,000 गई थी जनरल कैटेगरी पर। वहीं पर अगर हम देखें EWS में तो 1,85,000, OBC में 2,46,000, 2,50,000 तक ये मिल गया था आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ST में आपके लगभग 4,50,000 तक ये गया था, आप स्क्रीन पॉज करके बाकी देख सकते हैं, राइट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पर आपको 1,21,000 पर क्लोज हो गई थी, और फीमेल कैंडिडेट पे आपके लगभग 1,08,000 तक क्लोज हो गई थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बाकी ब्रांचेस की देख लेना है ना। मैकेनिकल की बात करें तो आपके लगभग यार 4,50,000 तक जनरल पे ही जा रही थी, और बाकी ब्रांचेस, बाकी अगर कैटेगरी की बात करें तो आपकी 6,00,000-7,00,000 तक आपको एडमिशन मिल सकता है मैकेनिकल में। वहीं पे अगर हम हॉस्टल्स देखें तो हॉस्टल आपके अलग अलग तरह के डिवाइडेड हैं, जैसे कि आपके गर्ल्स में आपको 3-सीटर रूम ही देखने को मिल रहे होंगे सारे हॉस्टल्स में, या आपके हॉस्टल्स के नेम हैं, राइट। अब बॉयज़ हॉस्टल की बात करें तो आपको 3-सीटर, 2-सीटर, 1-सीटर सारे तरह के हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, और ये हॉस्टल्स के उनके नाम हैं। यहाँ पर नीचे दे रखा है कि भाई कैटेगरी वाइज कितने कितने बच्चे जाएंगे, ये ज़्यादा उतना मैटर नहीं करता। तो होपफुली यार इस कॉलेज के बारे में मैंने सब कुछ कवर कर दिया होगा। इस तरह का एजुकेशनल कंटेंट, कॉलेज रिव्यूज़ या फिर JEE से रिलेटेड किसी भी एजुकेशनल न्यूज़ से रिलेटेड हम वीडियोस लाते रहते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आपको फटाफट से मिल जाए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सी या गुड डे, बाय।